हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ह्यूज मिंत्रा हॉल, जिसमें मैं आपको वेस्टर्न वेयर का ही हॉल है ये, बेसिकली टॉप वेयर एंड बॉटम वेयर। सिर्फ एक मैंने ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस ऐड किया है इसमें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर आया था, तो मैंने सोचा कि उसको अलग से ना दिखा के इसी हॉल में वो दिखा दूंगी। सो ये वीडियो दो पार्ट में भी हो सकता है, एक पार्ट में भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कितना बड़ा ही वीडियो हो रहा है। तो मैं पहले बॉटम वेयर ही दिखाऊंगी, देन टॉप वेयर दिखाऊंगी, जिससे अगर ये वीडियो लंबा होता है तो मैं उसको कट ऑफ करके दो वीडियो में कन्वर्ट कर दूँ। जो फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है ये वाइट कलर का जींस। सो ऐसा सा है, ऊपर से नॉर्मल ही है, नीचे इसका ऐसे बटन्स दिए हुए हैं। इसको चाहे तो हम ऐसे ओपन भी कर सकते हैं, स्प्लिट वाला जींस भी बना सकते हैं। ये बटन्स ईजिली ऐसे ओपन हो जा रहे हैं, और ऐसे कट वाला जींस भी इसको ऐसा यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें जो मेरा मैंने साइज़ लिया है वो है 28, जो कि नॉर्मली मुझे जींस में 26 से 28 तक के साइज़ के जींस बनते हैं, किसी में 27 बनता है, किसी में 27, 8, 6। सो और मेन बात इस जींस का ये है कि इसमें इसका जो लेंथ है वो प्रॉपर है, मीन्स इतना सा भी चूड़ी वगैरह नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर वो एंकल पे जींस जब ख़त्म होते हैं तो वही प्यारे लगते हैं, वो थोड़ा भी चूड़ी बनता है और वो कोई रिंकल्स जो आते हैं वो पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो इसका वही है कि इसमें बिल्कुल भी चूड़ी नहीं बन रही है, एंकल पे ये जींस ईजिली ख़त्म हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। जो नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूँगी वो है ये वाला स्कर्ट। सो ये वाला स्कर्ट, इसका फ्लेयर इसका मेन अट्रैक्शन है। ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी साइट्स पे अवेलेबल है ये वाले नॉट वाले स्कर्ट्स। इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, पहनने के बाद कैसा लग रहा है। इसका जो है ये बैक जिप है, इसका ओपन ये बैक से है, ऐसे पूरा ये बैक जिप है इसका। एंड जो फ्रंट में है, फ्रंट में पूरा ऐसे नॉट वाला पैटर्न लाइक दिस। मैं साइड में पिक्स डाल दूंगी पहनने के बाद ये कैसा लग रहा है। अब तक ये यूज़ तो किया नहीं है, पर मैं पहन के इसको साइड में पिक्स डाल दूंगी ये कैसा लग रहा था। सो जो नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूंगी वो है ये ब्यूटीफुल सा शरारा सेट। एक्चुअली ये वेस्टर्न हॉल ही होने वाला था, पर इसमें मैंने सोचा कि ये वाला ड्रेस भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर आया था और अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो अगर आपको पसंद आए तो आप ये ले सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं इसके दुपट्टा की। दुपट्टा ये बहुत बड़ा है इसका दुपट्टा, और पूरे दुपट्टे पर ऐसा लेस दिया हुआ है, और दुपट्टे का लेंथ वगैरह मीन्स फुल लेंथ है, कुछ भी छोटा वगैरह दुपट्टा नहीं है। ये देखिए पूरा नेट का दुपट्टा है इसका। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुर्ते की, जो कि ऐसा यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, एंड ये फ्रंट में ऐसा एम्ब्रॉयडरी का ही वर्क है। स्लीव्स, स्लीव्स है, एंड ये नी तक आता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है शरारा इसकी कि ये नी तक है, ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, कटवर्ट करवाने की भी हमको ज़रूरत नहीं है, बहुत ही प्यारा सा है ये। और मेन इसका शरारा पूरा नेट का है, एंड बहुत फ्लेयर है शरारा में, लाइक पहनने के बाद ये पूरा स्कर्ट की तरह ही लुक दे रहा था। मैं साइड में पिक्स डाल दूंगी, क्योंकि ये मैंने सावन में पहना था, तो उस टाइम का मैं पिक शेयर कर दूंगी। देखिए यहाँ पे ये नाड़ा वगैरह भी दिया हुआ है, एंड शरारा बहुत ही प्यारा है इसका, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला ये नेट है, ये इसका शरारा है। सो इस टाइप का आप ड्रेस, ये वाला ड्रेस डेफिनेटली ले सकते हैं, मैं लिंक सबका शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूंगी वो है ये वाला स्कर्ट। ये वाला स्कर्ट भी अभी बहुत ट्रेंड में ही है ये। ये कुछ पर्पल कलर का ये स्कर्ट है, ये नीचे से ऐसा है, एंड पूरा ऐसे प्लीट्स वाला स्कर्ट है। क्वालिटी इसकी बहुत प्यारी आई थी, मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसका जो पिक है पहने हुआ मैं साइड में लगा दूंगी। बहुत ही प्यारा सा स्कर्ट था, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक वगैरह सब डाल दूंगी। क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी आई है स्कर्ट की। जो नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बॉटम वेयर में, कहाँ गया ये वाला ट्राउजर। सो
ये वाला जो ट्राउज़र है वो ऊपर से फिटेड है, नीचे से थोड़ा सा फ्लेयर वाला टाइप है ऐसा कुछ। एंड इसके यहाँ पे ये पूरे बटन्स दिए हुए हैं, ये चाहे तो ऐसे ओपन भी करके, ये भी जींस की तरह ये स्प्लिट वाला इसको ट्राउज़र ऐसा यूज़ कर सकते हैं, साइड कट वाला। तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बटन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रेस वेरी का है और इसमें मैंने साइज़ लिया है 26। बहुत प्यारा ट्राउज़र है ये, इसको हम किसी भी स्टाइल से यूज़ कर सकते हैं, टॉप पे, कुर्ती पे, शॉर्ट कुर्ती पे। तो ब्लैक तो इनफैक्ट सब पे ही जाता है, तो ये बहुत प्यारा सा ये स्कर्ट है, स्कर्ट सॉरी, ये ट्राउज़र है। इन पहनने के बाद इसका जो लुक था वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया, ट्रांसपेरेंट नहीं है और एकदम लेंथ वगैरह परफेक्ट थी इसकी, कुछ भी कट वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं थी। सो नेक्स्ट जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये जंपसूट। बहुत ही प्यारा सा जंपसूट है ये। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसका बॉटम वेयर, इसीलिए मैंने इसको बॉटम वेयर में इंक्लूड किया है। ये मेहरूनिश कलर का है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और ये वाला जो जंपसूट है वो अजियो, अमेज़ॉन, मिंत्रा तीनों पे अवेलेबल है, आपको जहाँ प्राइस कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से ले सकते हैं अगर ये पसंद आई। पर ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये वन पीस टाइप फील देता है, मीन्स ये बैक साइड से पूरा वन पीस ही लगता है क्योंकि ये स्कर्ट टाइप है। ये इसका ऊपर का पार्ट है पूरा ऐसे जाली जाली वाला ये। एंड देन इसका जो स्टार्ट होता है ये देखिए इसका, सो मेन इसका नीचे का देखिए, ये पूरा ऐसे ये जंपसूट हो गया ये। एंड देन ये जो एक्स्ट्रा इसमें अटैच है, ये पूरा बैक साइड से पूरा स्कर्ट की तरह है, वन पीस की तरह अटैच है। ये फ्रंट में ऐसे आता है, मैं मॉडल की पिक भी लगा दूंगी साइड में जो मिंत्रा पे इसको पहने हुए, तो आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा। और मैंने भी इसको अपने बर्थडे के टाइम पहना था, तो उसका पिक भी लगा दूंगी कैसा आता है। पीछे से ये पूरा आपको वन पीस की तरह ही लगेगा, लगेगा नहीं कि हमने जंप सूट पहना है क्योंकि ये पूरा ऐसे है पीछे से, पूरा ऐसे है। ये वाला कपड़ा अलग है एंड ये आगे से ऐसे है। सो इसका मैं पिक शेयर कर दूंगी कि ये कैसा लग रहा था पहने के बाद, ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जो नेक्स्ट आप लोग शेयर करने वाली वो है ये वाला ट्राउज़र। ये वाला भी हर साइट पे अवेलेबल है, जहाँ आपको प्राइस ठीक लगे आप वहाँ से ले सकते हैं ये वाला। इसका बस ये है कि अगर आपको स्मॉल साइज़ बनता है, मीन्स 26-28 का जींस बनता है, तो आप इसके ये वाला जो पैटर्न है स्ट्रेचेबल वाला, इसमें आप अपने साइज़ का बिगर साइज़ ही लो, 30 या 32, बिकॉज़ ये स्ट्रेचेबल रहता है। तो आप अपनी साइज़ का लेंगे तो बहुत ज़्यादा फिटेड हो जाता है और ट्राउज़र फिटेड अच्छे नहीं लगते हैं। इसका लेंथ क्वालिटी बहुत ज़्यादा औसम आया है, मैं इसका भी पिक्स डाल दूँगी। ये भी मैंने 3-4 बार आया है तब से यूज़ कर लिया है, इसमें साइज ही नहीं दिया है। ये भी अमेज़ॉन, अजियो सब पर अवेलेबल है ये वाला ट्राउज़र, पर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आई है इसकी। इसको यहाँ पे नॉट आप लोग जो शेयर करने वाली हूँ, अभी टॉप वेयर शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट स्टार्ट करूँगी मैं इस टॉप से, जो कि मैंने आते ही मैंने कम से कम इसको बहुत बार यूज़ किए। सबसे पहले जब भी आया था तो मैंने उसको तुरंत वॉश कर दिया था कि इसका जो प्रिंट है वो निकल तो नहीं रहा है, बट ये शाइन एंड प्रिंट एज इट इज़ अभी तक है। ये बहुत ही प्यारा सा टॉप है एंड का, इसकी स्लीव्स ऐसी है कुछ, एंड ये ऐसा शॉर्ट टॉप है। इसका मैं पिक्स डाल दूंगी, इसको मैंने बहुत बार यूज़ किया है। वो पर्पल वाला जो स्कर्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उसके साथ मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना था, देन मैंने इसको ट्राउज़र के साथ पहना। एंड पूरा ओवरऑल ऐसा ही प्रिंट है। जो नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टॉप वेयर वो है ये वाला। ये बहुत ही प्यारा, ये डोकी डोकीज का है एंड इसका कलर बहुत ही प्यारा है, फ्रेश कलर लग रहा है। ये वाइट जींस पे अच्छा लगेगा, ब्लैक पे अच्छा लगेगा। ये कुछ ऐसा है, इसका स्लीव्स पहनने पे पफ स्लीव्स टाइप आ रहा है ऐसे, एंड फ्रंट से ऐसे नॉट नॉट है, एंड ये ऐसा कुछ शर्ट टाइप है लाइक दिस। जो शेयर करूंगी वो है एक वन पीस, ये एंड का है। एंड का मुझे क्वालिटी वगैरह अच्छा लगता है, उसके फिटेड
फिटिंग भी मुझे वो बहुत परफेक्ट आती है। सो ये कुछ ऐसा है, पूरा सामने से इसे स्ट्रेट फिटिंग है एंड देन फ्लेयर वाला फ्रॉक टाइप वाला है ये देखिए, ये स्ट्रेट स्ट्रेट एंड देन नीचे से ये पूरा फ्लेयर वाला आ जाए, बहुत सुंदर है ये वाला। ये एंड ये मेन ये फुल स्लीव्स है, फुल स्लीव्स कलर कॉम्बिनेशन इतना ना अट्रैक्टिव है इसका। एंड इस पर येलो हिल्स, माय गॉड इतना प्यारी लग रही थी इस पर येलो हिल्स एंड ये पूरा ड्रेस। एंड पीछे से ये वो है, ये मिस चेस का, ये वाला भी हर साइड पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको प्राइस ठीक लगे आप वहाँ से ले लेना। मतलब अमेजोन और मिंत्रा पे ऑलमोस्ट सेम ही है इसका प्राइस, नायका पे भी है ये, आप वहाँ पे भी चेक कर लेना। सो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे इसका ये नॉट है, नॉट पे ये बॉटल ग्रीन वाला ये टेसल लगे हुए हैं टेसल। देन ये कमर के यहाँ पे ये स्ट्रेचेबल है ऐसे, एंड देन पूरा कट, फ्रंट कट पूरा। एंड ये इसका मैं पिक्स डाल दूंगी साइड में, ये पहनने के बाद कैसा लग रहा था। ये आप प्लाजो के साथ पहन सकते हैं, जींस के साथ पहन सकते हैं, मैंने इसको प्लाजो और ट्राउज़र के साथ अब तक पहना है, पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसका लेंथ जो है ऑलमोस्ट ये ए लाइन वन पीस ही लगता है बैक से, क्योंकि ये बैक से पूरा कवर है ऐसे, एंड फ्रंट से ये पूरा स्प्लिट है ऐसे। जो नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो है ये एक टॉप केमिस्ट्री का, येलो एंड दिस कलरफुल, इस बार मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। ये फ्रंट नॉट है ऐसे, एंड नीचे ही कुछ ऐसा देखिए फ्रिल फ्रिल वाला पूरा पैटर्न दिया हुआ है, लाइक पूरा ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट नहीं है ये, देखिए यहाँ से ही अटैच है ये, और पूरा ऐसे ऐसे फ्रिल दिया हुआ है ये। इस पे इसका पिक्स डाल दूंगी, ये येलो हिल्स पे इतना सुंदर लग रहा था, ब्लैक जींस ये टॉप एंड येलो हिल्स बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो ये था, नेक्स्ट आप लोग शेयर करूँगी सांगरिया के ये दो कुर्ते। ये वाला कुर्ता वर्थ इट है, आप ले सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे ये नॉट भी बना सकते हैं से। इसका जो पैटर्न है वो नीट ऐसा है, मतलब ऐसे यू ऐसे है, स्ट्रेट नहीं है, लाइक कैन सी ऐसे, एंड देन पीछे से भी ऐसा ये डिज़ाइन दिया हुआ है ये, एंड बैक से ये लॉन्ग है, मतलब आगे से ये शॉर्ट आता है आपको नी तक आता है, एंड बैक से ये पूरा लॉन्ग आता है, तो ये इस टाइप का पैटर्न है। मैं साइड में पिक्स डाल दूंगी ये कैसा लगता है, मैंने इसको ग्रे जींस के साथ पहना था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ग्रे जींस के साथ। मैं साइड में पिक्स डाल दूंगी ये कैसा लग रहा था पहनने के बाद। जो नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट एंड लास्ट आप लोग के साथ शेयर करूँगी वो है ये वन पीस और गाउन और समथिंग वन ए लाइन फ्लेयर वाला ड्रेस। इसका मैं मॉडल पिक लगा दूंगी कि कैसा है। सांगरिया का जो स्मॉल साइज़ है वो मुझे लूज़ होता है, बट इसमें स्मॉल साइज़ अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको बेल्ट के साथ पहना था, तो बीच में अगर बेल्ट आ गया तो नीचे पूरा फ्लेयर एंड थोड़ा लूज़ वो स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा ही लगता है। सो ये कुछ ऐसा है, स्लीव्स इसकी यहाँ तक आती है, एंड फ्रंट से ना ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा कुछ है ऐसा। मैं पिक्स डाल दूंगी इसको पहनकर कि कैसा लगता है, एंड पूरा ये घेर है नीचे तक ये, एंड मैंने इसको बीच में वाइट बेल्ट के साथ इसको टाइप किया था, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो ये था आज का मेरा पूरा मिंत्रा हॉल, होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा लगा हो। मैं सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, एंड पिक्स भी शेयर कर दूंगी कि ये पहनने के बाद हर एक चीज़ कैसा लग रहा है। सो दैट्स इट, आज का वीडियो बस इसी को लेकर था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।